हेलो माय डियर फैमिली, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक आइसक्रीम है और ये जो आइसक्रीम है ना वो रोहन, सोहन, गीता और मीता को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास ये एक चॉकलेट भी है जो कि राम, श्याम, उदय और अंकित को बहुत पसंद है। अगर मैं चॉकलेट वाले लोग और आइसक्रीम वाले लोगों को एक सर्कल्स के अंदर बंद करूं और इस सर्कल्स को मैं एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करूं तो ये क्या होगा बताओ। अरे भाई, यही तो है हमारा वेन डायग्राम। तो आज मैं आपके लिए वेन डायग्राम की एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूं जो ना ही आज तक आपने कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो वेन डायग्राम है उसका कॉन्सेप्ट हमको दिया किसने था। तो ये वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको जॉन वेन ने दिया था। जी हाँ, इनका जो सरनेम है वेन, उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया वेन डायग्राम। तो ये अपने टीचर्स को बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, तो उनको शायद नहीं पता होगा, तो आप उनकी नज़रों में हीरो बन जाएंगे। जी हाँ, हीरो, टॉप क्लास हीरो, क्योंकि वेन डायग्राम जो है वो जॉन वेन के नाम से ही रखा गया है। तो आप ये समझते हैं कि वेन डायग्राम आखिरकार होता क्या है। इसकी जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि किसी भी सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसका, चॉकलेट का और आइसक्रीम का, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को इस सर्कल के अंदर बंद किया और इस सर्कल को एक रेक्टेंगल के अंदर बंद किया, यानी कि मैं दुनिया के किसी भी डेटा को, कोई भी डेटा हो आपके पास, चाहे वो नेचुरल नंबर का डेटा हो, चाहे वो रियल नंबर का डेटा हो, चाहे वो वैवल्स हो इंग्लिश अल्फाबेट के, किसी भी डेटा को अगर आप इस सर्कल के अंदर बंद करते हो, उस सर्कल को इस रेक्टेंगल के अंदर बंद करते हो, तब वो वेन डायग्राम कहलाता है। और वेन डायग्राम का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा, किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको समझ में आ गया ना कि आखिरकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और वेन डायग्राम क्या होता है। चलिए अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि आज मैं क्या 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 पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम बताऊंगा, डिसजॉइंट सेट का बताऊंगा, ए सबसेट ऑफ बी का बताऊंगा, बी सबसेट ऑफ ए का बताऊंगा, ए यूनियन बी का बताऊंगा, बी यूनियन ए का बताऊंगा, ए माइनस बी का बताऊंगा, बी माइनस ए का बताऊंगा, और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो बताऊंगा, और डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बताऊंगा, और मैं डी मॉर्गन्स लॉ बताऊंगा। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। उसके बाद लास्ट में बात करूंगा जिस तीन होते हैं सेट, ए सेट, बी सेट और सी सेट, उनका वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है, उसमें डाटा कैसे आता है, ठीक है ना, जिसमें तीन सर्कल्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और अभी मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो मैं वो भी बताऊंगा, इसे वीडियो में बनना, पूरा देखना, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि बहुत से टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं, बताते ही नहीं है, तो जान लो अच्छा रहेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी सेट वाली, तो यार प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये वीडियो और ये वीडियो आपस में लिंक्ड है, यानी कनेक्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो मैं यहाँ पे दो सेट अपनी तरफ से लेट कर रहा हूँ। एक तो सेट मैं ले रहा हूँ ए, क्या ले रहा हूँ, ए सेट ले रहा हूँ। सेट हमेशा कैपिटल लेटर ही रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ए बी सी डी कैपिटल हो गए, स्मॉल नहीं होंगे। और इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी जाती है वो होती है सारी एलिमेंट, और वो सब जो होती है वो स्मॉल लेटर्स में होती हैं, नंबर्स होते हैं, यही सब चीजें होती है इसके अंदर। तो मैंने कोई ए सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है ना। और बी यहां पर मैंने कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 5। ओके, बात समझ में आई आपके। यहाँ पे मैंने पहला सेट लिया ए और दूसरा सेट लिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, आपने देखा होगा कि ए के अंदर भी 2 है और बी के अंदर भी 2 है। जी हाँ, ओवरलैपिंग सेट का यही मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, चाहे कितने भी एलिमेंट कॉमन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना ही चाहिए। तो वही होता है ओवरलैपिंग सेट। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ये कभी भी ओवरलैपिंग सेट नहीं होता। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका वेन डायग्राम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बिना रेक्टेंगल का कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लीजिए, इतना बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा काफी है, बस ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल। और जो रेक्टेंगल होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। और इसको एक कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो जो बड़ा सा रेक्टेंगल होता है, ये पूरा ही पूरा ये यूनिवर्सल सेट होता है।
है, जितने भी सेट आएंगे इसके अंदर, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, जितने भी सेट आएंगे वो सब इसके अंदर ही आएंगे। ठीक है भाई, समझ गए बात। ये यूनिवर्सल सेट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सेट। अब सबसे पहले हम बनाएंगे ए सेट। जो सेट इसके अंदर हम बनाएंगे वो हम सर्कल बनाएंगे, याद रखना हमको सर्कल ही बनाने होते हैं। तो पहले मैंने ए सेट बना लिया जो कि है ये सर्कल, ये हमारा हो गया ए सेट। ठीक है, इसको मैंने रेड पेन से दिखा दिया। अब मैं बनाऊंगा बी सेट, ठीक ना। बी सेट मैंने बना दिया इस ब्लू वाले सर्कल से। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने दोनों सर्कल कट करके हुए बनाए हैं। क्यों कट करते हुए बनाए हैं? क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है। जब भी आप दुनिया में ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे तो दोनों सर्कल आपस में कट करेंगे। जी हाँ, यही होता है इसका मतलब। अब कट क्यों करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, आपने नोटिस करा कि ए के अंदर भी टू है, ओके, और बी के अंदर भी टू है। तो टू जो है वो दोनों में कॉमन है, ए के में भी और बी में भी। तो क्यों ना मैं, देखो, इस रेड वाले सर्कल और ब्लैक वाला सर्कल का जो ये बीच वाला पार्ट है, यही इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है। तो मैं जो टू है वो यहाँ फिल करूंगा। अब देखो, ए भी टू को कंटेंट कर रहा है और बी भी टू को कंटेंट कर रहा है, ठीक है ना। ए में क्या था, 1 2 3, 2 तो देखो बन गया, तो क्या बचा ए में, 1 3, तो मैं यहाँ पे 1 और 3 फिल कर दूंगा। बी में देखो क्या था, 2 फिल हो गया, बचा क्या, 4 5, तो 4 और 5 फिल कर दूंगा। अब जो देखो बी है वो 2 4 5 कंटेन कर रहा है, 2 4 5। ए जो है वो 1 2 और 3 कंटेन कर रहा है। बात समझ में आई? तो यही होता है ओवरलैपिंग सेट, यानी ऐसे सेट जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। जो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, देखो भाई, मैंने पहला कोई सेट लिया जो कि मैंने लिया 1, 2, 3 का, बात समझते रहना मेरी, ओके। अब मैंने दूसरा कोई सेट बी लिया, कोई सेट यहाँ पे मैंने बी लिया जो कि लिया मैंने 4, 5 का, ठीक है। मैंने ये दो सेट यहाँ पे ले लिए। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं रखा, यानी कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। तो यही होते हैं डिसजॉइंट सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, वही होते हैं डिसजॉइंट सेट। इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, देखो, सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल बनाना है, चाहे कुछ बनाओ चाहे कुछ ना बनाओ, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट। अब बात करेंगे ए सेट। ए सेट और बी सेट जितने भी सेट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, सब सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए सेट को देखो, मैंने इस रेड वाले सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा है ए सेट। अब जो मैं बी वाला सेट करूंगा रिप्रेजेंट, वो भी सर्कल से करूंगा, ब्लू वाले सर्कल से। तो देखो, मैंने इसको इस तरीके से ब्लू वाले सर्कल को सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी, ये टच नहीं कर रहे हैं भाई, याद रखना, ये टच नहीं करेंगे। ऐसा मत कर देना कि टच करता हुआ बना देना, ना, ये टच नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि ए सर्कल और बी सर्कल दोनों आपस में कट नहीं कर रहे हैं, यही होते हैं डिसजॉइंट सेट। इसके नाम को देखिए, डिसजॉइंट, जो कि जॉइंट नहीं होते हैं, जो कि टच नहीं करते हैं, तो वही होते हैं। क्यों नहीं टच करते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मैं ए के नीचे ए के एलिमेंट रख दूंगा 1 2 3, और बी के अंदर बी के एलिमेंट 4 5 4 और 5, बस हो गए, बात खत्म। अब ये मत कहना कि सर ये सर्कल मोटा है, ये पतला है, इसको खाना कम मिला है, पतला हो गया, इसलिए पतला होगा। लेकिन भैया दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर ही मतलब कि साइज के बनते हैं। मैं थोड़ा छोटा बना गया क्योंकि मुझसे ठीक से बन नहीं पाया। तो ए के अंदर ए के एलिमेंट, देखो बी के अंदर बी के एलिमेंट, इसमें कुछ कॉमन था ही नहीं इसकी तरह, इसमें 2 2 था, तो इसमें इसको मैंने इंटरसेक्ट करते हुए बनाया। तो डिसजॉइंट सेट हमेशा अलग अलग बनते हैं, और ओवरलैपिंग सेट आपस में इंटरसेक्ट करते हुए बनते हैं। अब हम बात करेंगे ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम कैसे बनता है, यह भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आओ फिर पढ़ते हैं हम लोग आज। चलिए बात करते हैं ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं ना, वो सबसेट का सिंबल होता है। किसका होता है? सबसेट का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। भैया देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट है। एक चीज बिल्कुल कान में डाल लो अच्छी तरीके से, कि इधर जो भी लिखा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, और इधर जो लिखा होगा वो हमेशा छोटा होगा। इधर जो लिखा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, इधर जो लिखा होगा वो हमेशा छोटा होगा। इस चीज को अच्छे से दिमाग में रख लो। और जो सबसेट का साइन होता है वो ऑलवेज हमेशा ऐसे ही बनता है, कभी ऐसे नहीं बनता, कभी भी ऐसे नहीं बनता। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लो, हमेशा सबसेट का साइन ऐसे ही बनेगा, और ये हमेशा बड़ा होगा, इधर वाला हमेशा बड़ा होगा। अब देखो, मैं यहाँ पे दो सेट लेता हूँ, ठीक है ना, दो सेट मैं यहाँ पे लेता हूँ। पहला सेट मैंने लिया ए, जो कि मैंने ले लिया 1, 2 का, सही है, और बी यहाँ पर मैंने सेट लिया। तो देखो, ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना, क्या जो मैं लिखने वाला हूँ, मैंने बी सेट लिया 1, 2, 3 का। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस करा, आपने ये नोटिस करा कि ए के दोनों एलिमेंट 1 और 2 वो बी में है, यानी ए सेट पूरा पूरा बी में रखा हुआ है। ध्यान से देखो, ए में क्या था, 1 2,
तो 1, 2 जो है वो बी में है, यानी इसका मतलब हो गया ए सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में ही होने चाहिए, तो वही होता है ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी जो है वो बड़ा होगा। मैंने क्या कहा, इधर वाला बड़ा होगा, ए जो है वो हमेशा छोटा होगा। देखो ए हमारा छोटा सेट, इसमें 1, 2 है, इसमें 1, 2, 3 ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसका देखो किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाओ जो मैंने बताया था, उसके लिए हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। ऑलवेज यूनिवर्सल सेट आपको बनाना ही बनाना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है इसी के अंदर सारे सेट होते हैं। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा, ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, बी के अंदर। तो सबसे पहले बी बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, ये बी सेट बनाओ, ये हमारा हो गया बी सेट। मैंने क्या कहा, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, तो जो ए सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बी के, बी पूरा बी, ये पूरा बी सेट है, पूरा बी, बी के अंदर। जी हाँ, यही होता है ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए सेट है वो पूरा पूरा बी के अंदर, जो ए सेट है वो पूरा पूरा बी के अंदर है कि नहीं बताओ, बी के अंदर ही तो बना है ना ए, तो यही होता है ए सबसेट ऑफ बी का वेन डायग्राम। अब इसके एलिमेंट लिखते हैं, ए में क्या है 1, 2, तो ए में हमने लिख दिया 1, 2, बी में क्या है 1, 2, 3, तो मैं पूरा पूरा बी होता है ये, बी में तो 1, 2 आ गया, अब क्या बचा 3, तो मैंने बी में लिख दिया 3, क्योंकि 3 ए में तो है नहीं, तो मैं ए के अंदर 3 नहीं लिखूंगा, बी में ही लिखूंगा, और बी में 1, 2 भी है, तो बी में देखो क्या क्या है 1, 2, 3, ओके, ए में क्या आया सिर्फ 1, 2, तो यही होता है ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, यानी कि जो ए सेट है वो पूरा पूरा बी के अंदर। अब बात करते हैं बी सबसेट ऑफ ए की, सबसे पहले हम बी सेट लिखेंगे, जो कि बी सेट मैंने लिखा 1, 2 का, सेम एग्जांपल लेंगे, बी सेट मैंने लिखा 1, 2 का। अब देखो जब मैं ए सेट लूंगा तो बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो 1, 2, 3, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, यानी कि ए जो है वो बड़ा है, बी जो है वो छोटा है, कि इधर वाला ऑलवेज बड़ा होता है और इधर वाला ऑलवेज छोटा होता है। अब मैं इसका बनाऊंगा वेन डायग्राम, तो सबसे पहले तो मुझे बनाना है रेक्टेंगल, चाहे कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ, रेक्टेंगल तो बनाना ही है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि जो बी है वो ए के अंदर है, तो पहले मैं बनाऊंगा ए, पहले मैं क्या बनाऊंगा, ए बनाऊंगा, ठीक, ए मैंने बना लिया, ये ए सेट हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा, बी जो है वो ए के अंदर है कि नहीं, तो जो बी है वो ए के अंदर बनेगा। देखो ये जो बी है वो देखो ए के अंदर बना कि नहीं बना, बन गया। अब मैं लिखूंगा एलिमेंट, बी में क्या क्या है, बी में 1, 2 है, तो बी में मैं लिख दूंगा 1, 2, ए में क्या है, ए में 1, 2, 3 है, तो मैं 1 और 2 तो पहले लिख चुका हूँ, क्योंकि ए तो पूरा है ना, उसमें 1 और 2 आ गया, 3 बचना है, तो 3 मैं ए में लिखूंगा, ठीक है ना। बी के अंदर मैं 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि बी जो है 3 जो है वो बी में तो है ही नहीं, क्लियर है। तो यही होता है बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे, तो वही होता है बी सबसेट ऑफ ए। तो आपने देख लिया किस तरीके से सबसेट के बनते हैं ग्राफ। अब हम, मैं आपको बताने वाला हूँ ए यूनिवर्सल, हाँ, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और भी बहुत सारे डिफरेंस वगैरह कॉम्प्लीमेंट, अब बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। चलिए बात करते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, फिर हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनका ग्राफ कैसे बनता है, इसमें जो पार्ट शेडेड होता है वो कैसे होता है, हर चीज बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ए यूनियन बी, इसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ए यूनियन बी की। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो सेट अपनी तरफ से ले रहा हूँ, मैंने ए को सेट लिया, कुछ भी लिख लो यार, इसके अंदर अल्फाबेट लिख लो चाहे है, कुछ भी लिख लो, नंबर लिख लो, मैं ले रहा हूं 1, 2, 3 का एक मैंने सेट लिया, ए और बी मैंने कोई सेट लिया, ले लिया मैंने 3, 2, 4, 5 इसका मैंने सेट ले लिया बी, ठीक है, क्लियर है। तो आप नोटिस करिए कि इस सेट और इस सेट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि जो सेट मैंने लिए हैं वो ओवरलैपिंग सेट है। अभी मैंने सबसे पहला सेट जो समझाया वो ओवरलैपिंग था, तो वही है ये, तो ओवरलैपिंग सेट का जो ग्राफ बनता है सेम टू सेम वही बना दो। अगर मैं डिसजॉइंट लेता तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होता, तो वो हो जाता डिसजॉइंट। वो कैसे बनता मैंने भी आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो स्किप करी होगी तो समझ में नहीं आएगा, वैसे भी तो स्किप नहीं करना है। चलो भाई, सबसे पहले ए सेट हम बनाते हैं, तो ए सेट हमने ये ए के लिए सर्कल बना दिया, सर्कल बनता है हमें अच्छे से पता, ये ए के लिए हो गया। अब बी के लिए बनाएंगे सर्कल फटाफट से, तो ये सर्कल हो गया बी के लिए, ये ओवरलैपिंग सेट्स मैंने लिए हैं, इसलिए दोनों सर्कल जो है आपस में कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ चीज़
कॉमन है, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, इसलिए दोनों कट करेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो अलग अलग बनते, ये इधर कट नहीं करते, वो हो जाता डिसजॉइंट। मैंने समझाया था अभी, ठीक हो भाई। अब फटाफट से एलिमेंट रखते हैं। देखो भाई, इसमें टू है, इसमें भी टू है, इसमें थ्री है, इसमें भी थ्री है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हम यहाँ फिल करेंगे, क्योंकि जो ए और बी है वो यहीं पर आके मिल रहा है। तो टू और थ्री हमने इसके अंदर फिल कर दिए, क्योंकि यहाँ भी टू और यहाँ भी टू, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री। अब बचा क्या, इसमें से टू थ्री तो निकल गया, क्या बचा वन, तो यहाँ लिख दो वन। इसमें से टू थ्री निकल गया, क्या बचा फोर फाइव, बी में तो बचा फोर फाइव। टू थ्री तो मैं लिख चुका हूँ ना, तो टू थ्री फोर फाइव, इसमें वन टू थ्री, वन टू थ्री। ए भी देखो पूरा कंटेन कर रहा है इधर वाला, और बी भी पूरा कंटेन कर रहा है, क्लियर है। अगर मुझे क्या करना है कि ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर मुझे, ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है तो देखो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना। उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन है वो भी, तो वही होता है ए यूनियन बी। यानी कि क्या होता है इसका मतलब, ए के भी सारे एलिमेंट, ठीक है, बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो फोर फाइव, और जो कॉमन है वो भी लिख लो टू और थ्री। तो यही होता है एक यूनियन बी, यानी ए बी और जो बोथ है तीनों के मैं एलिमेंट लिख लूंगा, तो वही होता है ए यूनियन बी। तो मुझे इसमें कितना पार्ट शेड करना पड़ेगा, मुझे शेड निकालना पड़ जाए, ये मुझे नहीं लिखना, या मुझे लिखना हो, क्वेश्चन में पूछा हो कि इसमें से कौन सा पार्ट शेड होगा, तो कौन सा पार्ट शेड करोगे भाई, ये वाला पार्ट शेड करोगे, मैं आपको बता दूं। चलो मैं इससे करे दे रहा हूं, इससे, ठीक, ये पहले मैं ए पूरा शेड कर दूंगा, ओके, ठीक है, फिर मैं बी पूरा शेड कर दूंगा, ठीक है, और जो इनका ये वाला पार्ट है कॉमन वाला वो भी शेड कर दूंगा, यानी ए सेट बी सेट पूरे पूरे सब शेड हो जाएंगे। तो यही होता है ए यूनियन बी। अब ये देखो, ये ए यूनियन बी हो गया, मैं लिख देता हूँ वरना काफ़ी लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन वगैरह हो। ये हमारा है, ये जो मैंने पूरा शेड किया है ये है ए यूनियन बी, ठीक है। अब बात करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कि इसका ठीक उल्टा, ए यूनियन बी का ठीक उल्टा, ठीक ना, इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, इसे छोड़कर, इस पूरे को छोड़कर जो बचा वही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ इसे छोड़कर क्या बचा, बताओ इसे छोड़कर क्या बचा, इसे छोड़कर सिर्फ ये बचा, ये बचा, इसे छोड़कर ये यही तो बचा। बताओ जो यूनिवर्सल सेट का थोड़ा सा पार्ट है वही सिर्फ बचा, अंदर वाला पार्ट ए यूनियन बी, और जो बाहर वाला बचा हुआ पार्ट यही है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए यूनियन बी, नॉट यानी कि ए यूनियन बी नहीं हो सकता। तो ए यूनियन बी तो ये है दोनों सर्कल, तो इसका बचा हुआ पार्ट। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी मैं दो सेट अपनी तरफ से ले रहा हूँ। पहला मैंने सेट ले लिया, क्या ले लिया, चलो यही सेट ले लो, वन कॉमा टू कॉमा थ्री का, ओके। अब मैंने बी कोई सेट ले लिया, जो कि मैंने लिया है थ्री कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा फाइव, मैंने सेम सेट ले लिया, कोई भी चेंजेस नहीं करा। अब ये दोनों देखो ओवरलैपिंग सेट हैं, यानी कि इसमें भी कुछ कॉमन, इसमें भी कुछ कॉमन, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसके लिए मैं देखो ओवरलैपिंग सेट बनाऊंगा, मतलब उसका वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो, सबसे जरूरी काम, ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट। ए के लिए मैं बनाऊंगा, ये हमारा हो गया ए के लिए सर्कल, ठीक है। अब मैं बी के लिए बनाऊंगा, अब मैं बी के लिए बनाऊंगा, तो ओवरलैपिंग है दोनों, तो कट करते हुए ही जाएंगे, डिसजॉइंट होते तो कट करके नहीं जाते, अलग अलग बनाता मैं, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में टू और थ्री कॉमन है, तो टू और थ्री यहाँ आ जाएगा सेम इसकी तरह। बचा क्या, टू थ्री निकल गया ए में से, सिर्फ वन बचा वन यहाँ, टू थ्री पहले लिख चुका हूँ, टू थ्री में पहले लिख चुका हूँ, बचा क्या फोर फाइव, तो फोर और फाइव यहाँ पर। इतनी बात तो आपको यहीं से समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमको इसमें से देख कर बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है इंटरसेक्शन बी। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में टू और थ्री कॉमन है, तो टू और थ्री कॉमन है ना, तो यही हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होता था, ए यूनियन बी में ए और बी और बोथ तीनों, इसमें सिर्फ कॉमन, तो वही होता है। तो इसमें सिर्फ कॉमन था, तो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट ही शेड होगा, यही वाला पार्ट शेड होगा। तो यही जो पार्ट हमने शेड किया है यही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी कि इसका ठीक उल्टा, यानी इससे छोड़कर बाकी सारा बचा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसे छोड़कर क्या क्या बचा, ये सब बचा, ये सब बचा, ये सब बचा, ये पूरा 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 होगा भाई, ये अंदर बाहर वाला भी सब काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये सब बचा, ये बात समझ में आ रही, ये सब पूरा पूरा, इतने पार्ट को छोड़कर जो बाहर वाला पूरा पार्ट है, पूरा सारा पार्ट, ये भी काउंट किया जाएगा, ये इधर सर्कल, इधर इतना सर्कल, बाहर पूरा, इतने पार्ट को इसे छोड़ देंगे, तो यही होता है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का
कॉम्प्लीमेंट, समझ गए, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़कर बाकी सारा बचा हुआ पार्ट उसको सेट कर दोगे इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी यानी इसका कॉमन। तो दोनों में फर्क देख लो किस तरीके से है, मैंने हर चीज को एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अब हम बढ़ेंगे ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस ए, और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए बात करते हैं a माइनस बी और a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट की, फिर हम बात करेंगे b माइनस ए और b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से देख लो, कुछ भी इसमें होता नहीं है खास। सबसे पहले मैं बात करूंगा a माइनस बी की। तो देखो a माइनस बी में क्या है कि सबसे पहले मैं सेट ले रहा हूँ a, कोई भी सेट आप ले सकते हो, a b c d जो मन हो वो ले लो यार, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सेट ले लिया 1, 2, 3 का, ठीक है ना, या कुछ भी ले सकते हो। और b मैंने कोई सेट लिया जो कि है हमारा 2, 4, 5 का, ठीक है, कुछ भी ले लो यार। यहाँ पे a और b दो सेट है इसलिए मैंने a और b दो सेट लिए, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो ओवरलैपिंग सेट का बनेगा। किसका बनेगा भाई, ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम बनेगा इसमें, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से, ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम बनेगा इसमें। ओके, ये हमारा हो गया ये, ठीक है भाई, ओवरलैपिंग सेट का बनेगा। तो सबसे मैं ए बना रहा हूँ जो कि हमारा ए है ये सेट, ठीक है ना। अब मैं बी बना रहा हूँ, ओवरलैपिंग सेट का बनेगा इसलिए इस तरीके से क्रॉस करते जाएंगे। ओके, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखो क्या कॉमन है, सबसे पहले ये देख लो। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 रहेगा यहाँ पे बीच में। ए में क्या बचा, 2 तो निकल गया, क्या बचा, 1 और 3। तो 2 तो आ चुका है, 1 और 3 बचा, इसमें 2 तो आ चुका है बी में, और 4 और 5 बचा, 4 और 5 बस बात खत्म। ये हमारा हो गया ग्राफ, मतलब कि वेन डायग्राम ड्रा हो गया। अब हम बात करेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी को क्या कहते हैं, पहले इसको देख लो, ओनली a, इसको क्या कहते हैं, ओनली a, यानी कि ओनली a माइनस बी अगर मुझे आपको निकालना पड़ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कहते हैं ओनली a, सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट। तो a में क्या है भैया, a में 1, 2 ही तो है, a में 1 और 2। अब आप ये तो 1 और 3 आप ये तो नहीं कहोगे सर a में तो 1, 2, 3 है, तो भैया ओनली a की बात यहाँ पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ a। a में क्या क्या है, a में 1 और 3 अभी आपके सामने ड्रॉ करा यार। आप कहेंगे सर 2 भी तो a में है, तो 2 जो है वो b में भी तो है, सिर्फ और सिर्फ a में कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ a में कहाँ है। मैं आपसे कहूँ आप सिर्फ और सिर्फ रोटी खाते हो क्या, कुछ और नहीं खाते हो, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता, मैं दाल सब्जी और चावल आवल सब खाता हूँ। तो यार आप ओनली रोटी कहाँ खाते हो, मैं अगर कहूँ आप सिर्फ ओनली रोटी खाते हो, आप कहेंगे हाँ सर मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खाता हूँ, तो यानी आप कुछ भी नहीं खाते हो दूसरी चीज़, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा जो ओनली a है उसमें सिर्फ 1 और 3 है, जो 2 है वो ओनली a में नहीं है, वो जो 2 है वो b में भी है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि a माइनस बी का मतलब ही यही होता है ओनली a, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है 1, 3। तो इसका कितना पार्ट मैं शेड करूँगा इतना बता दो बस, ओनली a वाला पार्ट। तो यही है a माइनस बी, यही है a माइनस बी, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड करूंगा। तो यही है हमारा a माइनस बी, बात समझ में आई। अब बात करेंगे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा। तो बताओ इसका ठीक उल्टा क्या है, तो इसका बचा हुआ सारा पार्ट a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी क्या बचा, ये बचा, सब ये सब बचा कि नहीं बचा, ये बचा, ठीक, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये सब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, समझे कि नहीं, जितना मैंने ब्लैक से करा ये भी है। ओके, ये भी है, तो यही है हमारा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई, क्लियर है बात कि नहीं, बस इतना बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं b माइनस ए और b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मैं 2 सेट ले रहा हूँ, सेम टू सेम सेट ले ले रहा हूँ, कोई भी फर्क नहीं रखूँगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज, मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज हो जाओ बिल्कुल भी। तो मैंने ए सेट लिया 1, 2, 3 का, और बी मैंने कोई सेट लिया जो कि है हमारा 2, 4, 5 का, ठीक है भाई। अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो देखो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि जो वेन डायग्राम बनेगा वो ओवरलैप करते हुए बनेगा, क्या बनेगा, ओवरलैपिंग वाला, ठीक ना, ओवरलैप करते हुए बनेगा, याद रखना। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक, ए हमारा कोई इस तरीके से है यहाँ पे सेट ए, जो कि इस वाले सर्कल से मैंने डिनोट किया, और बी इस बी कोई सेट है यहाँ पर जो कि मैं ब्लू वाले सर्कल से करूँगा, ये हमारा हो गया बी। ओके, ठीक है भाई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, 2 और 2, तो 2 है वो यहाँ आएगा बीच में। अब देखो इसमें क्या है, ए 1, 2, 3, 2 तो आ गया, 1, 3 बचा, 1, 3 यहाँ आ गया, इसमें क्या है 2, 4, 5, 2 तो आ गया, 4, 5 बचा, 4 और 5, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब होता है ओनली b, ओनली b,
यानी कि जो पहले वाला लिखा होता है सिर्फ उसी के एलिमेंट आते हैं, देख लो इसे पहले क्या लिखा b, तो यहाँ पे जो b माइनस ए निकलेगा यानी कि इसका मतलब होता है ओनली b, तो सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट आएंगे, तो b क्या है 4 5, तो यहाँ पे आएगा 4 और 5, यही है b माइनस ए। अब बताओ कि कौन सा पार्ट शेड करना है, ओनली b, तो ओनली b में यही तो आएगा बताओ, तो इतना ही पार्ट शेड करेंगे, तो यही है जो हमारा निकल के जो आया है वो आया है b माइनस ए। बात समझ में आई, और b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका ठीक उल्टा, तो जितना बचा हुआ पार्ट है वो सारा b माइनस ए है, तो क्या क्या बचा, ये सब 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 बचा, ये भी, ये भी, ओके, ये सब इतने पार्ट को छोड़ के, क्योंकि ये तो a माइनस बी है, ठीक है, सॉरी b माइनस ए है, तो बचा हुआ सारा पार्ट, तो ये जितना पार्ट बचा है ना यही है हमारा b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, बात समझ में आ, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका ठीक उल्टा, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब बढ़ते अपनी अपने ए कॉम्प्लीमेंट और डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम बात करेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। जी हाँ, इसी को कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है भाई, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ नहीं है, ये बस ए का कॉम्प्लीमेंट और कुछ भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल, जो कि हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ही सारे सेट होते हैं। अब हम बनाएंगे ए, इसमें भी बी सेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम सिंगल एक बनाएंगे, मतलब कि सर्कल, क्योंकि इसमें ए ही सिंगल सेट है, तो हमारा हो गया ये सेट ए। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी कि ठीक ए का उल्टा। अब पहले बताओ कि ए क्या है, इसमें इतना बता दो ए क्या है। ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा है ए, ये क्या है हमारा ए, ओके, ये हमारा है ए। अब बताइए कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, यानी कि ठीक इसका उल्टा, इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर यही तो बचा, बताओ यही बचा कि नहीं बचा? तो यही होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए सेट को छोड़कर जो बचा है यही हमारा है ए का कॉम्प्लीमेंट, बस यही होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और कुछ भी नहीं होता, यानी ए को छोड़कर। अब बात करते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या बनाओ कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल यानी कि यूनिवर्सल सेट बना लो, जो कि ये हो गया, ये हमारा हो गया। इसमें भी देखो एक सिंगल ए सेट है, तो यहाँ भी मैं सिंगल ए ही सेट बनाऊंगा इस तरीके का, ये हमारा हो गया ए सेट। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने अभी देखा ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पार्ट, तो मैं अगर बाहर वाले पार्ट को इस तरीके से शेड कर दूँ, चलो इस तरीके से बाहर वाले पार्ट को शेड कर दूँ, तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ये ए का कॉम्प्लीमेंट, अंदर वाला ए है, ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान से देखना भाई इस चीज़ को, ओके, मैं यू हटा देता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा, ये जो बाहर वाला सारा पार्ट है, ये हमारा है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका ठीक उल्टा, बाहर वाले का ठीक उल्टा, तो बताओ पूरे रेक्टेंगल में, पूरे सेट में बाहर वाले का ठीक उल्टा क्या होगा? तो बाहर वाले का ठीक उल्टा होगा ये अंदर वाला। जी हाँ, यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ए, इसको ए ही तो बोलते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है हमारा ए। ठीक है ना, क्लियर है? समझ गया ना किस तरीके से हमने बताया? पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, फिर ठीक इसका उल्टा कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का ठीक उल्टा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बस। तो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा ए ही होता है। किस तरीके से होता है, समझ गए ना? अच्छे से समझ गए, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की तरफ और डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉस। कॉम्प्लीमेंट्री लॉस जो होते हैं वो दो होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। पहला ये होता है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। भैया ये यू फॉर यूनिवर्सल है, याद रखना। सेकंड ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसको बिल्कुल दिमाग में रख लो, एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है वो सेट, यानी कुछ इस तरीके का, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वही होता है हमारा एम्प्टी सेट। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई पे कभी ब्रेकर अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल का मतलब हो गया, क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो हमारा ये जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही सेट बनेगा ए, क्योंकि इसमें बी तो है ही नहीं, तो हमने एक सेट बना लिया यहाँ पर ए, ये हमारा है सेट ए, ये क्या है, ए सेट है। ठीक है भाई, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे लिख रखा है पहले ए, तो ए क्या है, ए क्या है पहले ये बताओ मुझे, ए क्या है, ए तो ये है ना, ये जो है वो ए है, ये है ग्रे, इतना बता दो बस, ये ए है, ये क्या है हमारा, ये ए है,
ये ए ही तो है, ठीक है ये ए है। फिर यहाँ पे लिखा इसको छोड़ो, यहाँ लिखा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का ठीक उल्टा, ए का ठीक उल्टा। तो बताओ ए का ठीक उल्टा क्या है, इतना बताओ ये ए है तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा। तो इनसे छोड़कर बाकी बचा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बाहर का पोर्शन होता है यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। मेरी बात ध्यान से समझते रहना, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बाहर वाला पोर्शन हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे कह रहा है जो ए है और जो बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, इनका इनका यूनियन क्या होगा। यूनियन का मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को जोड़ के जो बनता है वही होता है यूनियन। यूनियन का मतलब डायरेक्टली होता है दोनों को ऐड करना, दोनों को जोड़ना। तो इसे और बाहर वाले को जोड़ दो, जो बचा वही इसका आंसर। तो बताओ इसे और बाहर वाले को अगर आप जोड़ देते हो तो क्या बनता है, इतना बता दो कि इसे और ये बाहर वाले को जोड़ते हो तो पूरा बनता कि नहीं पूरा, ये रेक्टेंगल तो बनेगा ना, ये सर्कल और ये बाहर वाला, ठीक ना, ये सर्कल और ये बाहर वाले को अगर आप जोड़ देते हो तो क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, इस चीज को याद रखना। ये ए हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इन दोनों का जो बनेगा वो हमारा बनेगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमको यूनियन निकालने को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक ना, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक सेट है सिर्फ ए, ए के अलावा और तो कुछ है नहीं, तो हम एक ही सर्कल बनाएंगे बस। ये हमारा हो गया ए, ये क्या हो गया हमारा, ये ए हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्लियर, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले हम बात करेंगे ए, ए क्या है, ए तो ये है, ए क्या है, ए तो ये है, ठीक। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर बाकी बचा हुआ ये बाहर वाला, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा ए का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर वाला सर्कल को छोड़कर। तो ये जो है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो है ये अंदर वाला ये हमारा ए है। आपसे कह रहा है ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो बताओ ये वाला ब्लू वाला और रेड वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, रेड वाला और ब्लू वाले की कोई भी लाइन आपस में टच नहीं कर रही, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो बताओ इस रेड वाले में, इस ब्लू वाले में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा, फाइव एम्प्टी सेट, यानी कि जो सेट हमारा बनेगा वो खाली होगा, एम्प्टी, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो एम्प्टी सेट होगा। जी हाँ, इसका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन आपस में कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये अंदर वाला है और ये पूरा बाहर वाला है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि फाइव इसका आंसर आएगा। तो यही दो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब बढ़ते हैं अपने डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। चलिए बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो मुझे तो यकीन नहीं है, क्या आपको यकीन है? अगर आपको यकीन नहीं है, मुझे है यार, मुझे है, अगर आपको यकीन नहीं है तो यार बना के देख लो, और क्या, वेन डायग्राम भरोसा हो जाएगा, मुझे तो है फिलहाल। चलो बनाते हैं, सबसे पहले इसका बनाते हैं। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसका रेक्टेंगल ये रहा, इसका रेक्टेंगल है, समझते रहना भाई, समझते रहना। और बराबर ये हमारा है राइट हैंड साइड, इसका रेक्टेंगल है ये, या दोनों रेक्टेंगल बराबर हैं, ठीक है ना, छोटा बड़ा मत मान लेना, मत कहना सर आपने छोटा बना दिया बड़ा बना दिया। इसमें ए सेट और बी सेट दोनों सेट हैं, तो मैं इसमें दो बनाऊंगा, एक ए बना लो और दूसरा बी बना लो, ठीक है ना, मैंने ओवरलैप करते बना दिया, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी दो सेट हैं, ये ए और ये बी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा यार मार्कर कम चल रहा है, एडजस्ट करना सीख लो, मुसीबतों से जो एडजस्ट कर लेते हैं भाई असली इंसान होते हैं भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखो ये सेट हमारा है ए, मेरी बात ध्यान से समझना, और ये हमारा है बी, ऐसे ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरी बात समझते रहना। इसमें लिख रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ये बताओ कि ए यूनियन बी क्या होता है, इतना बता दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है ना, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया ए यूनियन बी क्या होता है। तो जो ए पूरा बी और बीच वाला भी, तो ये अगर मैं दोनों सर्कल को पूरा पेंट कर दूं तो यही होता है ए यूनियन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ठीक इसका उल्टा। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, इतने पार्ट को छोड़कर बचा सारा पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये सारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जब मैंने ए यूनियन बी पढ़ाया, ठीक है ना, अभी बताया, क्लियर, सही है। तो इतने पार्ट को छोड़कर बचा हुआ सारा पार्ट, यानी कि ठीक इसका उल्टा ही होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का ठीक उल्टा। अब बताओ इसमें ए क्या है, ए क्या है इतना बता दो। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जिसमें मेरा मार्कर चल रहा है, ये है ए। इसको छोड़कर बाकी सब पेंट कर दो, वही होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़कर बाकी सब पेंट करेंगे। तो पहले तो मैं वर्टिकली लाइन से पेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो मैं वर्टिकली लाइन से पेंट करूँगा कि समझ में आपको अच्छा है, ठीक है ना। अभी मैजिक होगा, मैजिक। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़कर बाकी सारा। अब इसको छोड़ो, अब बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी को छोड़कर बाकी सारा। तो बी को छोड़ दो, बाकी सब पेंट कर दो। बी को छोड़ दो, बाकी सब पेंट कर दो। तो बी को छोड़ देंगे हम, क्या प्रॉब्लम है, बी को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो बी को छोड़ दो, बाकी सब पेंट कर दो। बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, ओके, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ के बाकी सब पेंट कर दो। ओके ठीक है भाई, बी को छोड़ दिया हमने, बाकी सब पेंट कर दिया, ठीक है। ओके ठीक है, बाकी सब पेंट कर दिया, बी को छोड़ के बाकी सब पेंट कर दिया। ओके ठीक है, ठीक है ना। अब ये बीच वाला भी पेंट होगा। अब ये मत सुनना सर आपने, तो ये बीच वाला भी पेंट कर दिया तो बी में आ रहा है। अरे भाई ये एमी भी तो आ रहा है, तो दोनों की सुनूंगा ना मैं, तो बीच वाला भी पेंट होगा, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे सर कहीं पर से बराबर नहीं, तो बराबर है। ध्यान से देखो आके खोल कर। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें बाहर वाला ही से पेंट हुआ है और इसमें भी से बाहरी वाला पेंट हुआ। आप कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान से देखो, रेड लाइन और ब्लैक लाइन से बाहरी इंटरसेक्ट कर रही हैं, अंदर वाले में कोई भी रेड लाइन और ब्लैक लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। बताओ कर रही है क्या? इसमें देखो सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन, इसमें भी सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन, इसमें सिर्फ रेड वाला पोर्शन, बाहर जितना भी है वो रेड और ब्लैक दोनों है। तो जी हाँ, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम ही पेंट हुआ है। तो डी मॉर्गन्स ला बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जो चीज़ है, डी मॉर्गन्स बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल होती है, RHS के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें भी बाहर वाला ही पेंट हुआ है, इसमें भी सिर्फ बाहर वाला ही पेंट हुआ है, क्योंकि रेड लाइन और ब्लैक लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, कहाँ कट रही हैं, बाहरी तो कट रही, अंदर तो कुछ कट ही नहीं रहा, इसका अंदर भी खाली समझो, इसका अंदर भी खाली। तो यही है, होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब बढ़ते अपने एम्प्टी लॉ और यूनिवर्सल लॉ की तरफ। ओके चलिए बात करते एम्प्टी एंड यूनिवर्सल लॉ। भैया इनको एम्प्टी एंड यूनिवर्सल लॉ कहते हैं क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। तो देखो पहले लॉ, जो पहला लॉ हमारा है, ये फर्स्ट लॉ, इसको फर्स्ट नाम दे दो यार, और इसको सेकंड दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो फर्स्ट लॉ, वो देखो क्या कहता है, यहां पे लिखा है कि एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी का मतलब ये फाइव जो है वो एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से समझना, जो एम्प्टी सेट होता है वो होता है खाली, क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, यानी कि एम्प्टी होता है, क्या होता है, एम्प्टी, समझ गए ना, यानी एम्प्टी बिल्कुल खाली। अब एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यानी एम्प्टी का उल्टा, खाली का उल्टा क्या होता है, खाली का उल्टा यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, भरा, यानी कि बिल्कुल फुल, ठसाठस फुल, समझे कि नहीं, मेरी बात समझते रहना, ठीक। हिंदी में इंग्लिश में कैसे समझ लो, दिमाग में घुस जाए किसी तरीके से। देखो भाई यहाँ पे लिख रखा फाई, फाई का मतलब होता है खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई का उल्टा, एम्प्टी का उल्टा, उल्टा मतलब खाली का उल्टा, भरा, एम्प्टी का उल्टा फुल, यानी कि फुल सेट, यानी कि जो फुल सेट होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, फुल सेट, ठसाठस फुल, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, वही हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। तो जो एम्प्टी का उल्टा होता है ना, यानी कि फाई का जो उल्टा, यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि बिल्कुल भरा हुआ, ये क्या होता है, बिल्कुल भरा हुआ, समझे कि नहीं, क्लियर है बात। अब बात करते हैं इसकी, इसमें देखो क्या होता है, ये हम लॉ हमसे कहता है जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई होता है। तो पहले समझ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब भरा, क्या होता है, भरा, यानी कि बिल्कुल ठसाठस फुल, अभी मैंने आपको बताया भरा, ठीक ना। और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ठीक इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टे को तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, तो भरा का उल्टा क्या हो जाएगा, खाली, क्या हो जाएगा, खाली, खाली का मतलब एम्प्टी, क्या हो जाएगा, एम्प्टी, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट फाई तो होता है, तो इसका आंसर आ गया फाई। बात समझ में आई, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बस थोड़ा सा सेंस लगाना होता है और कुछ भी लगाना नहीं होता। तो देख लो यार किस तरीके से मैंने इसको समझाया, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। आप सबसे लास्ट में बात करेंगे, सबसे लास्ट, सॉरी ये 13 नंबर था, ये 13 नंबर था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आखिरी, जो कि हम बात करने वाले तीन सेट, ए सेट, बी और सी सेट, जाओ कि बस तीन सेट हो, तब आप उसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखना मत भूलना। ओके
चलिए सबसे लास्ट में बात करते हैं सेट ए, सेट बी और सेट सी। जब आपके पास तीन सेट हो तब आप वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, ये सबसे आसान होता है। एक्चुअली देखने में जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही आसान है। सबसे पहले क्या कर लो जो हमको हमेशा करना है, क्या करना है भाई, सबसे पहले तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाओ, सबसे ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्योंकि बड़े सेट है ना, इसीलिए ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट जो दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर तीन है ए बी सी, तो सबसे पहले ए का बना लो हमारा क्या नाम है इसका, ए का सर्कल, ठीक है। अब बी का सर्कल बना लो, मैं ब्लू से बी को बना रहा हूँ, ठीक है, हमारा हो गया बी का सर्कल। अब बना लो सी का सर्कल, जो सी है उसका बना लो, अब सी का बन गया हमारा सर्कल, ये हमारा हो गया सी का सर्कल, ठीक है भाई, तीन सर्कल हो गए, दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि ए बी और सी तीनों में ऐसी कौन सी चीज़ें जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन इतना बताओ। तो देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है टू, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो तीनों में टू है। जो टू है वो हम सबसे पहले लिखेंगे और उस जगह पे लिखेंगे जहाँ पे तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखिए, सिर्फ इतना, यहाँ पे देखो रेड वाला, ब्लू वाला और ब्लैक वाला तीनों सर्कल इंटरसेक्ट करें, तो टू मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, टू तीनों में कॉमन था, ओके। अब हमको देखना है कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है, तो ए और बी में एक तो जीरो ए में भी है और जीरो बी में भी है, तो दोनों में जीरो जीरो कॉमन है। तो देखो ए और बी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए मतलब ब्लैक और बी मतलब ब्लू, तो देखो ब्लैक ये है और ब्लू ये है, ठीक ना, लेकिन मैं यहाँ से लेकर यहीं तक जाऊँगा, नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे हमारा रेड आ रहा है और रेड वाला मैं पहले ही फिल कर चुका हूँ। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट ऐसे हैं, मतलब इतना ये बोला जो पार्ट है वो ये पार्ट है जहाँ पे ए और बी, सिर्फ ए और बी ही सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या कॉमन था, जीरो जीरो, तो यहाँ पर हमारा आ गया जीरो, ठीक है, जो ए और बी दोनों में कॉमन था। क्लियर है बात, इतनी बात जरूर क्लियर हो गई ना, कोई डाउट तो रह नहीं गया, सही है। अब हम बात करते हैं बी और सी में क्या क्या कॉमन है। देखो बी और सी में क्या क्या कॉमन है पहले ये नोटिस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है भी कि नहीं, होना तो चाहिए था यार, मैंने सेट बनाया तो ऐसे ही थे। देखो हाँ, फाइव इसमें भी है, फाइव इसमें भी, यानी दोनों में फाइव चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है कि दोनों में है फाइव। तो देखो बी और सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी का मतलब ब्लू और सी का मतलब रेड, देखो ब्लू और रेड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा आया रेड और ये हमारा आया ब्लू, तो ये जो पार्ट है वो ब्लू और रेड का है, लेकिन मैं यहाँ इस वाले पार्ट को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ ब्लैक आ चुका है, तो इतना जो पार्ट है ये लाइन और ये लाइन सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू की है, यानी बी और सी की, और बी और सी में क्या कॉमन था, फाइव, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइव, ठीक है, तो हमारा बी और सी भी फिल हो गया। अब बात करते हैं ए और सी में क्या क्या कॉमन है। तो देखो ए में वन है और सी में भी वन है, दोनों में वन वन है कि नहीं, तो दोनों में वन कॉमन है एक, तो ए मतलब ब्लैक और सी मतलब रेड, तो देखो ये हमारा हो गया ब्लैक वाला इतना ये, और ये हमारा हो गया रेड वाला, तो मैं सिर्फ इतने ही पार्ट को देखूंगा, इतने पार्ट को, क्यों, इसका रीज़न क्यों, इतने ही पार्ट को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इधर मैं जाऊँगा नहीं, आगे मैं जाऊँगा तो मुझे ब्लू मिल जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ ए और सी देखना है, यानी कि ब्लैक वाला और रेड वाला, तो ब्लैक और रेड सिर्फ इतने में ही आ रहे हैं, तो वन मैं जो वन इसमें तीनों दोनों में कॉमन है ए और सी में, मैं यहाँ फिल कर दूंगा। और देखो दोनों में और भी कुछ कॉमन था, जो थ्री था, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, यानी ए और सी में थ्री भी कॉमन है, तो थ्री भी मैं यहाँ फिल कर दूंगा, ठीक है। अब जो जो चीज़ कॉमन थी वो सब फिल हो गई, अब कुछ बचा तो नहीं, बचा है यार, बचा है ए और बी में, देखो ए और बी में सिक्स सिक्स भी है, यहाँ भी सिक्स है और यहाँ भी सिक्स है, तो ए और बी में सिक्स भी फिल होगा, जीरो तो है ही दोनों में और सिक्स भी है, एक तो देखो दोनों में जीरो है, दूसरा सिक्स भी है, ठीक है, अब बिल्कुल सही है, क्लियर। अब देखो ए में क्या बचा, ए में सिर्फ एट बचा, जो ना बी में है और ना ही सी में है, तो जो एट है वो यहाँ पे आएगा, एट का मतलब ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए में जो है वो एट है और किसी में एट नहीं, तो ओनली ए जो है वो एट कंटेन कर रहा है, इसलिए ए इधर आएगा, जहाँ पे बी और सी से कोई मतलब नहीं। अब देखो बी में क्या है जो और किसी में नहीं है, वो है नाइन, बी में सिर्फ नाइन है जो ए और सी में नहीं है, तो बी में सिर्फ नाइन है वो आएगा यहाँ, ओनली बी में जो है वो नाइन है, ओनली बी, ठीक है ना, बी में तो बहुत सारे हैं लेकिन ओनली बी में सिर्फ नाइन है जो यहाँ आएगा, इसमें ए और सी से कोई मतलब नहीं। अब सी में देखते हैं, सी में सिर्फ सेवन है, ओनली सी में सिर्फ सेवन है जो कि यहाँ आएगा, इसको ए और बी से कोई मतलब नहीं, तो ओनली सी में सेवन है, वैसे तो सी में बहुत सारे हैं लेकिन ओनली सी में सेवन है। तो यही हमारा होता है तीन का वेन डायग्राम, तो बहुत आसान होता है बनाना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, छाप लो, उतार लो और समझ लो। मैं अपनी समझ से मैंने सब कुछ करा दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को मैंने करवाया है। और अच्छा लगे यार आपको ये वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे भी पीछा कर सकते हो, नाम है, आईडी का नाम है maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।